समाज के जितने भी सामाजिक संगठन है, चाहे वो देव सेना हो, चाहे गुर्जर छात्र संगठन हो, गुर्जर महासभा हो, हम सब ने मिलकर के जो हमारे महान सम्राट मिहिर भोज हैं उनकी जो जयंती है, वैसे तो 1 सितंबर को मनाई जाती है, परंतु हमारे यहाँ से सवाई भोज की पैदल यात्रा का जो जत्था है वो 1 सितंबर को 5 से 6 हज़ार की संख्या में जाता है। इस वजह से हमने ये पूर्व में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया है और हम सब गुर्जर समाज संगठित होकर के आज की जो युवा पीढ़ी है उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे महान सम्राट मिहिर भोज ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक छत्र होकर के पूरे 50 वर्ष तक एक शासन करा, सबको संगठित लेकर के चले और सबको एकता और ज्ञानशीलता का परिचय दिया, मैं सभी युवा साथियों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि हम सबको महान सम्राट मिहिर भोज के पद चिन्हों पर चल के और गुर्जर समाज का हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर डंका बजाना है। हमें हमारे जो पूर्व जो राजा महाराजा और शासक हुए उनके पद चिन्हों पर चल के अपना गुर्जर समाज का नाम रोशन करना है। भगवान सिंह गुर्जर, जिलाध्यक्ष गुर्जर शासक। सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाई जा रही है, जो 1836 से लेकर 1885 ईस्वी तक सम्राट मिहिर भोज ने हिंदुस्तान पर शासन किया था और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए, हिंदुस्तान को एक रखने के लिए मिहिर भोज ने पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शासन किया और जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनसे रक्षा करी थी। आज उसी जो महान शासक थे गुर्जर प्रतिहास वंश के सम्राट मिहिर भोज, उनकी जयंती अजमेर में उबड़ों का देवरा से वैशाली नगर तक गुर्जर समाज के द्वारा मनाई जा रही है। आज इसी को लेकर के सारे लोग यहाँ पर गुर्जर एकता दिवस के रूप में हम आज ये रैली निकाल, हम गुर्जर समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि गुर्जर समाज के जो महान शासक हुए मिहिर भोज, उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, इसलिए गुर्जर समाज एकता और अखंडता के साथ में देश के लिए राष्ट्रभक्ति के साथ में गुर्जर समाज आगे बढ़े और गुर्जर समाज में एकता और भाईचारा कायम रहे।